ये देखिए वो हो, मज़ा आ गया, देख सकते हो आप क्या लाजवाब पनीर लग रहा है, बहुत ही खूब जी, बहुत खूब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम पहुंचे हैं जी लुधियाना फिरोजपुर हाईवे में, एक बहुत ही फेमस ढाबा है जी, आप मेरे पीछे देख सकते हो पंडरा का ढाबा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम करते हैं वीडियो को शुरू, आ जाओ मेरे साथ, हम दिखाते हैं आपको सब कुछ बताते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आ जाओ मेरे साथ। तो जी हमारे साथ यहाँ पे हैं पंडरा के ढाबे के ऑनर। तो सबसे पहले सत श्रीकाल सर जी, की नाम सर जी अपना? मेरा नाम रविंदर पाल जी। वाह जी, तो सर जी अपना कितने साल तो चला रहे हो ढाबा? तीजी पीढ़ी चल रही जी। तीजी पीढ़ी जी? ओ वाह जी वाह, मतलब कितने साल हो गए तकरीबन अपन? 45 साल। ओ वाह जी वाह। तो ये जी हमारी यहाँ पे सर बना रहे हैं पनीर की भुर्जी। सबसे पहले इसके ऊपर आ गया जी प्याज, और इसके ऊपर हरी मिर्ची का तड़का मार के ऊपर से डाल दिए जी इन्होंने प्याज, सॉरी टमाटर। क्या लाजवाब खुशबू आ रही भाई साहब तड़के की। अते अपना सारा खाना बंदा किंदे जी? देसी घ्यो जी बंदा? देसी घ्यो। ओ वाह जी वाह, ओह भाई साहब क्या तड़के की खुशबू और महक आ रही है, ये देख सकते हो आप। अच्छे से इसको भून लिया जी मसाले को, वाह जी वाह, ठीक है। और अब जा रहा है जी इसके बीच पनीर, वाह जी वाह, ये देख सकते हो आप क्या लाजवाब पनीर लग रहा है, बहुत ही खूब जी, बहुत खूब। लाजवाब रंग देख सकते हो भाई साहब, कितना प्यारा रंग आ गया है भुर्जी का। और ये इनके यहाँ की स्पेशल भुर्जी है भाई साहब, जो कि लोग यहाँ के दीवाने हैं इनकी भुर्जी के, काफ़ी फेमस है इनके यहाँ की ये भुर्जी। क्या कीमत है जी सर जी इसकी? 200 रुपये पर प्लेट जी। वाह जी, हम आए हुए हैं पंडरा का ढाबा, जो अपना लुधियाना से जगराओं को रोड जाती है ना, उसी रोड पर है ये हाईवे पे। रोड कौन सी रोड जी? लुधियाना फिरोजपुर रोड पे, ये देख सकते हो आप, ये है हाईवे। और इधर हमारी भुर्जी बन के तैयार है जी, और अब इसकी हो रही है जी यहाँ पे प्लेटिंग। वाह जी वाह, क्या बढ़िया महक आ रही है भाई साहब भुर्जी में, लाजवाब। ये देख सकते हो जी ऊपर से और थोड़ा सा पनीर क्रश करती है, क्या लाजवाब कुछ शक्ल आ गई है जी इसकी, लाजवाब मज़ा आ गया। ये बन रही है इनकी यहाँ की फेमस दाल फ्राई, जो कि भाई साहब ढाबों की तो अलग ही उसकी खुशबू और स्वाद होता है, क्या ही बताएं। इसके बीच आ गई जी मिर्ची और अदरक, और ये आ गया जी ऊपर से प्याज, लाजवाब जी बहुत ही खूब। ये अपनी जो कढ़ाई है मैं भी देख रहा हूँ, ये कौन सी, पित्तल की कढ़ाई है? वाह जी वाह भाई साहब, पित्तल की कढ़ाई में तो आपको पता है अलग ही टेस्ट और खुशबू बन जाती है चीज़ की, बहुत ही लाजवाब जी। चिकन दूध लिया। और ये पीछे अपने सर जी वो कौन सी सब्जी पड़ी है? वो कड़ी पकौड़ा जी। वाह जी, वो कड़ी पकौड़ा पड़ी है जी, इधर आप देख सकते हो दाल पड़ी है जी, और इधर दाल को तड़का लगाया जा रहा है, बहुत ही खूब। इसे मसाले को भून लिया है, और क्या रंग आ गया जी इसका, ये जा रही जी उसके बीच अब दाल, वाह जी वाह लाजवाब। दूध वाली दाल है जी? दूध वाली, वाह जी वाह, ये देखो भाई साहब ऊपर से दूध डाल दिया सर ने, दूध वाली दाल, वाह जी वाह, ये चीज़ तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कोई दाल में दूध डाल रहा हो, वाह जी वाह। दूध का तड़का लगता है, दूध का तड़के की दाल है जी, लाजवाब लाजवाब। ये आ गया ऊपर से थोड़ा सा मसाला, ओहो, और भाई साहब रंग देख सकते हो एकदम क्रीमी रंग हो गया दाल का। दूध वाली दाल नहीं मिलेगी सर? अच्छा, तो इसकी क्या खासियत है सर जी, आप दूध वाली दाल बना रहे हो? हर एक जगह दाल मिलेगी तुम्हारे को, उड़द चने की काली दाल जी, जहाँ मिलती है माँ छोले की पीली दाल। वाह, अच्छा ये पीली दाल है, पीली दाल दूध में तड़का लगाया हुआ, तड़का लगाते हैं। वाह जी वाह, और ये देखिए जी ये डाल दी इसके बीच दाल, भाई साहब दाल का रंग देखो एकदम क्रीमी सुनहरी रंग हो गया दाल का, लाजवाब जी लाजवाब, मज़ा आ गया। इसके बीच थोड़ा सा ऊपर और गार्निशिंग के लिए पनीर डाल दिया जाएगा जी, मज़ेदार। तो यहाँ आप देख सकते हो जी नॉन स्टॉप लग रही है यहाँ पर तंदूरी रोटी, भाई साहब स्पीड देखो आप बाइक की, एक रोटी लग रही है और साथ में दूसरी तैयार है जी, वाह जी वाह, स्पीड देख सकते हो आप कितनी बढ़िया स्पीड से रोटियाँ बनाई जा रहे हैं और उसको तंदूर में लगाई जा रहे हैं, लाजवाब, वाह जी वाह वाह वाह, इतनी ज़बरदस्त स्पीड है भाई साहब, मैं तो गिन भी नहीं सकता कि कितनी स्पीड से रोटियां लगा रहे हैं, वाह जी। ओ भाई साहब एक टाइम में 40 रोटी लगा लेते हैं भैया, ये देख सकते हो इधर बन के तैयार है जी, बढ़िया क्रिस्पी कुड़करी रोटी तंदूर की, ओहो क्या लाजवाब स्पीड है यार, मज़ा आ गया देख कर। ओह ये देखो भाई साहब गर्म गर्म रोटी बन के तैयार है, और आप देखो भैया का हाथ रुक नहीं रहा,
ये लग रहा है जी हमारे लिए यहाँ का इनका स्पेशल लच्छा परौंठा। भैया ने पहले अच्छे से रोटी को बेल दिया, अब इसको पानी लगाकर इसकी शेप बनाई जाएगी जी, आप देख सकते हो। वाह जी, ओहो, अब ये जाएगा जी सीधा तंदूर में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है जी। अब इसके ऊपर लगा दिया जी थोड़ी जी अजवाइन, ये आ गई जी इसके ऊपर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, क्या लाजवाब लग रहा है भाई साहब, ये देख सकते हो आप, बहुत ही खूब। अब ये जाएगा जी सीधा तंदूर में और एकदम करारा परौंठा बन के तैयार हो जाएगा जी हमारा। वाह जी वाह, ये देख सकते हो जी ये जा रहा है जी सीधा तंदूर में और एक आधे मिनट में ये बन के हो जाएगा जी तैयार। और इधर हमारे भैया देखो भाई साहब, ये मक्खन देख सकते हो आप, कितनी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मक्खन लगाया जा रहा है। और ये कौन सा परौंठा है सर जी? ये मिक्स परौंठा है। ये मिक्स परौंठा है जी, आप देख सकते हो क्या रंग आया है जी परौंठे का, और ऊपर अच्छे से इसको बटर से भर दिया गया, बटर और यहाँ पर क्रीम की कमी नहीं है, एकदम अच्छे से उसको ऊपर से भर के देते हैं जी। वाह जी वाह, क्या कीमत रहती है इसकी मिक्स परौंठे की? 40 रुपये। 40 रुपये, लाजवाब जी लाजवाब। और इधर बनने जा रहा है जी हमारा चीज़ टमाटो। वाह जी वाह, जो इनकी यहाँ की एक और स्पेशलिटी है, सबसे पहले आ गया जी देसी घी, और आप देख सकते हो भाई साहब हर चीज़ देसी घी में तैयार होती है यहाँ पर। उसके बीच आ गया जी ऊपर से टमाटर, वाह वाह वाह, ये देखिए, ओ हो हो हो, मज़ा आ गया जी। वाह जी वाह, और ये आ गई जी इनकी यहाँ की मलाई, शुद्ध घर की मलाई है, और ये जाएगी जी हमारे चीज़ टमाटो में। भाई साहब एकदम हैवी लोडेड खाना होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार जी, बहुत मज़ेदार। ये आ गया जी ऊपर से दूध, तो भाई साहब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दूध और मलाई मक्खन, ये चीज़ों की कमी नहीं है। वो हो क्या मक्खन भर के डाल दिया, मलाई डाल दी जी 2-3 कड़छियाँ भरकर, तो भाई साहब ये एकदम हैवी लोडेड सब्जी होने वाली है, अरे एकदम क्रीम दूध से भरी हुई मज़ेदार। चीनी खट मीठी, ये आ गई जी हल्की सी चीनी, बहुत ही शानदार जी, बहुत शानदार। ये आ गया जी ऊपर से इतना भर के धनिया, क्या लाजवाब लग रही है जी भाई साहब। आ गया जी, वाह जी, ये आ गया जी मसाला, और ये आ गया जी थोड़ा सा और दूध। तो भाई साहब यहाँ पानी का कोई काम नहीं है, ग्रेवी के लिए यहाँ पे दूध यूज़ करा जाता है, ये चीज़ लगी मुझे सबसे बढ़िया कि यहाँ पर पानी वूनी का कोई काम नहीं है, जो भी चीज़ें बनती है दूध पनीर मक्खन। ये आ गया जी ऊपर से बड़े बड़े भाई साहब, इतने बड़े पीस पनीर के, आप देख सकते हो क्या साइज़ है पनीर का। ओ हो हो, इसकी क्या कीमत है सर जी? 200 रुपये प्लेट। और अपनी दाल की? 150 रुपये। 150 रुपये, वाह जी वाह, तो भाई आप देख सकते हो काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस है, मतलब 200 रुपये में आपको इतना बढ़िया दूध मक्खन वाला मिल रहा है, यहाँ पे चीज़ टमाटो 150 रुपये में मिल रही है आपको तड़के वाली दाल। वाह जी क्या मज़ेदार चीज़ है यार। और इसके बीच आ गया जी थोड़ा सा ऊपर से और रोगन, चल रही, और ये होगी जी हमारा चीज़ टमाटो भी तैयार। और मुझे एक बताइए अपने टाइमिंग क्या क्या रहती है? 24 घंटे सर। 24 घंटे, वाह जी वाह, 7 दिन जो तो मर्जी आ जाओ। और इधर हमारे भैया कर रहे हैं यहाँ चीज़ टमाटो की प्लेटिंग, वाह जी। और हमारा हो गया जी लंच यहाँ पे तैयार, आपको दिखाते हैं जल्दी से टेस्टिंग करके, क्योंकि मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। ये देखो जी हमारा हो गया तैयार। एक मुझे और बताइए सर, और आपके पास क्या क्या होता है? सर जी हमारे पास होता है जी आलू मटर, मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, परठा, राजमा, छोले, कड़ी, चना मसाला, मलाई कोफ्ता, चीज़ पोटो, पीस पोटी, मैक्सरोनी, दम आलू, कढ़ाई पनीर। तो भाई साहब मुझे तो याद भी नहीं है सर ने क्या क्या बोल दिया, ओवरऑल सब कुछ ही इनके पास। तो हम करते हैं जी टेस्टिंग और आपको भी दिखाते हैं, तो ठीक है जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो जी हमारा यहाँ पे शाही खाना तैयार है जी, आप देख सकते हो हमने आपको सारी मेकिंग दिखाई, और भाई साहब यहाँ पे पूरी मेकिंग दूध मलाई मक्खन से करी जाती है। ये इनके यहाँ की बहुत ही फेमस है जी पीली दाल, आपने मोस्टली जगह पे देखी होगी काली दाल होती है, ये चने की दाल है, उसके ऊपर इन्होंने दूध का तड़का लगाया, बहुत ही लाजवाब। और ये देखो जी ये हैं यहाँ की इनकी फेमस पनीर की भुर्जी, काफ़ी चटपटी और मसालेदार लग रही है। ये है जी हमारा यहाँ का लच्छा परौंठा, ऊपर से देख सकते हो कितना बढ़िया से मसाला लगाया हुआ और कस्तूरी मेथी लगाई हुई है। ये है जी यहाँ का मिक्स परौंठा, और उसके अलावा ये है जी इनका चीज़ टमाटो, देख सकते हो कितना लाजवाब लग रहा है, उसमें पनीर के पीसेस भाई साहब काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं। तो ये है जी और इनके यहाँ की फेमस टमाटर की चटनी। तो भाई साहब मेरे तो रुका नहीं जा रहा, अब मैं जल्दी से करता हूँ टेस्टिंग, थोड़ा थोड़ा डाल लेता हूँ अपनी प्लेट में। ओहो हो भाई साहब इतनी बढ़िया महक आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता यार, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो मैं डाल देता हूँ, ये है जी यहाँ की दाल, थोड़ी सा डाल देता हूँ जी मैं चीज़ टमाटो। ओ भाई साहब लाजवाब यार, इसमें क्या यार पनीर के पीसेस डाले उन्होंने,
मुझे तो लग रहा है 250 ग्राम तो इन्होंने पनीर ही डाल दिया होगा। ये आ गया जी चीज़ टमाटो, थोड़ी सी डाल देता हूँ जी मैं भुर्जी, अपनी प्लेट कर लेता हूँ पूरी तैयार। भाई साहब ला चुआ, ये आ गई जी पनीर की भुर्जी, देख सकते हो आप बहुत ही खूब। और इधर मैं रख लेता हूँ जी इनका परौंठा। तो जी हमारी यहाँ पे थाली सज के तैयार है जी, ये देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे हैं ये यहाँ की दाल बहुत ही फेमस, उसके बाद है जी चीज़ टमाटो, और इनके यहाँ की फेमस पनीर भुर्जी, और साथ में ये परांठा देखो भाई साहब क्या लाजवाब परांठा लग रहा है जी। तो मैं तो जल्दी से ले रहा हूँ जी एक बाइट, मेरे से रुका नहीं जा रहा। और ये रेडी बना लेता हूँ एक बाइट में, पहले चीज़ टमाटो की ही बना लेता हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है जी देखने में ये। वाह जी वाह, ये है जी बाइट और ये गई। पनीर इतना सॉफ्ट है ना, इतनी अच्छी क्वालिटी का पनीर यूज़ करा हुआ है, और इसमें जो इन्होंने ऊपर से चीनी डाली ना और थोड़ी सी सॉस डाली थी, उसकी वजह से चटपटा सा टेस्ट आ रहा है, जैसा कि चीज़ टमाटो को होता है नॉर्मली, थोड़ा मीठे साइड में होता है वैसा सा टेस्ट है। और भाई साहब इसके ऊपर जो कस्तूरी मेथी का फ्लेवर आ रहा और घी का, वो तो क्या ही कहना, लाजवाब फ्लेवर। अब मैं करने लगा अपनी फेवरेट दाल तराई, थोड़ी सी ले लेता हूँ इनके यहाँ की टमाटर की चटनी। वाह जी, और ये बना लेता हूँ जी मैं बाइट। वाह, इतनी गाढ़ी दाल भाई साहब, और इतनी क्रीमी दाल है, ऊपर से इन्होंने जो दूध डाला था ना उसके वजह से टेक्सचर इतना स्मूथ हो गया ना, मतलब एकदम मुंह में घुलने वाली दाल है, काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर है। और ऊपर से जो इसके बीच प्याज का तड़का लगाया ना, उसकी क्रंचीनेस बहुत अच्छी आ रही है, काफ़ी लाजवाब एकदम बटरी दाल है, जिसको हम प्रॉपरली दाल मखनी कह सकते हैं ना, ये वैसी दाल है। तो एक बाइट रहेगी जी मेरी अपनी पनीर भुर्जी के साथ, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, पनीर भुर्जी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ये भी ले लेता हूँ जी मैं। इसके बीच इन्होंने ना अदरक का तड़का लगाया है, वो क्या स्वाद टेस्ट दे रहा है जी अदरक का, और ऊपर से टमाटर की जो टेंगीनेस है लाजवाब। तो भाई साहब मेरी तरफ से तो तीनों चीज़ों को 10/10 है, काफ़ी बढ़िया और शुद्ध खाना है जी। दूध में प्रेपरेशन होती है, यहाँ पे पानी नहीं डालते, पानी की जगह दूध डालते हैं भाई साहब, तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया प्रेपरेशन है, और ओवरऑल रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। तो आप भी आ सकते हो, हम आए हुए हैं पंडतारा ढाबा, अपना फिरोजपुर लुधियाना का जो हाईवे है उस रोड पे स्थित है। बाकी मैं पूरी अपनी लोकेशन इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, प्राइजेस भी मेंशन कर दूंगा, तो आप ज़रूर आना एक बार यहाँ और इनका खाना जरूर ट्राई करना। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।